हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्वेट का आजाद वीजा को लेके बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल मिल रहा है। क्वेट का आजाद वीजा कितना पैसा में मिलता है, क्वेट का आजाद वीजा में जाने से कितना पैसे हम लोग कमा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि क्वेट का जो आजाद वीजा है, इसमें अगर क्वेट में हम लोग जाएंगे तो जहां मर्जी वहां पे काम करेंगे, लाखों में पैसा कमाएंगे। क्योंकि लोगों को सुनने में मिलता है कि कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है। हाँ, लोग कमा रहे हैं इस वीजा में आके, क्वेट में लोग कमा रहे हैं, लेकिन इसका रियलिटी क्या है ये आज़ाद वीजा का, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई नहीं कमा रहा है, कुछ लोग होंगे जो कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी आके कमा लोगे, तो हकीकत आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज़ाद वीज़ा को लेकर डिटेल्स में बात करूंगा, जो आपके लिए जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक आज़ाद वीज़ा लेने के लिए आपका कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख तक खर्चा हो जाता है। खर्चा करने से पहले आप लोगों को जानना जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आजाद वीजा, सबका मन में एक ही डाउट है कि आजाद वीजा में क्वेट में जाऊंगा तो जहां पे मर्जी वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं, अपना मन पसंद का काम ढूंढ के कर सकते हैं। ये लोगों का मन में रहता है। क्योंकि अगर यूट्यूब में भी आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारा वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा कि आजाद वीजा में आके इतना कमा रहा है, उतना कमा रहा है, जहां मर्जी वहां काम कर रहे हैं। तो लोग ऐसे भी मैसेज डालते हैं कि अगर 2.5 लाख 3 लाख हम लोग खर्चा भी करेंगे तो क्या हमें क्या प्रॉब्लम है, वहां पे जाके महीने में लाख कमा लूंगा, 3 महीने में रिकवर, ऐसा सोचते हैं। हाँ, यहाँ पे आने से आप लोग कमा भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कमा सकते हो, कमा भी सकते हो। लेकिन आज़ाद वीज़ा जो कहा जाता है, आज़ाद वीज़ा, सोन वीज़ा, 18 नंबर वीज़ा, देखिए क्वेट में जो कंपनी का वीज़ा निकलता है ना, जो भी कंपनी का वीज़ा निकलता है वो भी 18 नंबर वीज़ा होता है, सोन वीज़ा होता है। तो आज़ाद वीज़ा नाम का कोई भी वीज़ा कुवैत में नहीं है। सबसे पहले ये बात आप लोग समझ लीजिए कि आज़ाद वीज़ा नाम का कोई भी वीज़ा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत टाइप का वीज़ा है, वर्क का टाइप में, जैसे डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा होता है 20 नंबर, कंपनी का 20 नंबर, कंपनी का 18 नंबर रहता है, डोमेस्टिक 20 नंबर होता है। 18 नंबर वीज़ा, जो 18 नंबर सोन वीज़ा होता है, कंपनी का भी 18 नंबर सोन वीज़ा होता है। किसी भी कंपनी में आप काम करने के लिए आओगे कंपनी का अंडर में, तो आपका वीज़ा भी 18 नंबर वीज़ा रहेगा। तो आज़ाद वीज़ा ऐसा कोई भी वीज़ा कुवैत में नहीं है। तो लोग कैसे आते हैं आज़ाद वीज़ा में? देखिए, कुछ कंपनियां क्या करते हैं, आपको वीज़ा दे दिया, कुवैत में बुला लिया, आपका एकामा लगा दिया, आपको छोड़ दिया, जाओ अपना काम ढूंढो, काम करो। इससे आपको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि आपसे पैसा ले लिया गया है, 3 से 4 लाख आपसे ले लिया गया है। तो यहाँ पे आने के बाद वो लोग का काम है एकामा लगा के आपको छोड़ देने, आप लोग जाके अपना मर्जी से काम ढूंढ के काम करो। काम आप लोगों को मिल जाता है, काम भी मिल जाता है, सैलरी भी अच्छा मिल जाता है, कम से कम 50,000 तो मिल जाएगा, ये सोच के लोग इतना पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप काम मिल गया, आप काम भी कर रहे हो, सैलरी भी अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया काम करते हुए, जो MOI के लोग होते हैं, मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, जो चेकिंग करते हैं, अगर आपको पकड़ लिया जाएगा काम करने के टाइम पे, तो आपको सीधा जेल पे डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट करने के पहले आपका ऊपर बैन भी लगा दिया जाता है, ताकि आप दोबारा ना आ सको कुवैत में। अगर कुवैत में एक बार बैन लगता है तो और भी जिससे कंट्रीज में आप लोग नहीं जा सकते हैं, कुछ कंट्रीज है जहाँ पे भी आपका बैन हो जाता है, फिंगरप्रिंट लेके बैन लगाया जाता है। देखिए, कुवैत में ऐसा कोई भी वीजा नहीं है कि जिससे आप कुवैत में आके अपना मर्जी से जहाँ पे मर्जी वहाँ पे काम करो, आज यहाँ पे किया, कल वहाँ पे किया, ऐसा कोई भी कुवैत में वीजा नहीं है। वीज़ा आपका जो होता है 18 नंबर वीज़ा, कंपनी का वीज़ा होता है, ट्रांसफरेबल होता है। आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे आपका वीज़ा को ट्रांसफर करके लगाना पड़ेगा उसी कंपनी में। आज एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक साल के बाद दूसरा जगह में जाना है, आप यहाँ से ट्रांसफर लेके जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका वीज़ा लगाना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा एक जगह में है, आपका जो एकमा है एक जगह में लगा हुआ है, आप काम कर रहे हो दूसरा जगह में, तो आप काम करने के टाइम पे अगर पकड़ लिया जाएगा तो आपको जेल पे डाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुवैत में कोई भी वीज़ा नहीं है जिसमें आप कुवैत में आके जहाँ पे मर्जी वहाँ पे काम करो, ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं है। जो भी वीज़ा है, आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे ही आपका वीज़ा होना पड़ेगा। ये कुवैत का रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, दूसरा जगह में वीज़ा है, ये रूल्स का खिलाफ है, इसलिए आपको पकड़ लिया जाता है। तो इतना पैसा दे के आज़ाद वीज़ा बोल के आपको जो चिपकाया जाता है, जो वीज़ा, इतना पैसा दे के वो वीज़ा लेके आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है।
हाँ मान लिया अगर आपका नसीब अच्छा है, यहाँ पे आके आप कमा लोगे दो पैसा, लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं, लेकिन रिस्क में कमा रहे हैं। अगर आपका नसीब में भी है तो आप कमा सकते हो, अगर आपका नसीब खराब है, आज आप आए कल काम पे लगे परसों पकड़ लिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो इतना पैसा खर्चा करने का क्या फ़ायदा रहेगा आपका। देखिए अगर कंपनी का वीज़ा में आओगे तो आप फ्रीडम के साथ काम कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। अगर आपने 3 से 4 लाख खर्चा किया, खर्चा करके आप यहाँ पे आए हो, काम करने के टाइम आपका मन में डाउट रहेगा, आपको कभी पुलिस पकड़ लेगा, ये वो इसका उसका टेंशन रहेगा, तो इतना पैसा खर्चना करने का क्या फ़ायदा रहेगा। यही हकीकत है आज़ाद वीज़ा का, कुवैत का जो आज़ाद वीज़ा बोला जाता है, इसका रियलिटी यही है। इसलिए वीज़ा लेने से पहले आप लोग सोच समझ के लीजिए, इतना पैसा जब आप देने वाले हो आप लोग अपना तरफ से डिसीजन लीजिए, लेके बाद में आप लोग लीजिए। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं आप लोगों को कभी नहीं बता बोलूँगा कि आप लोग आज़ाद वीज़ा लेके कुवैत में आइए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अच्छा कंपनी ढूंढिए, कंपनी का वीज़ा में आइए, कुवैत का हाल हकीकत देखिए, उसके बाद आप खुद सोच सकते हो कि मैंने अच्छा किया या गलत किया। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू सो मच।